भर्ती सर, सर फिर कह रहा हूं भर्ती, भर्ती की बात कर रहा हूं। गाली मत दीजिए मेरे को, गाली देने से कुछ नहीं होगा। भर्ती की दलाल कहीं का काम, बस यही आवाज उठाइए उठाइए, जनता देखे। दलाल कहीं का, और गाली दो भदौरिया साहब, और गाली दो, जनता देख रही है। सवाल पूछ रहा हूं, गाली देकर भाग रहे हो। भर्ती प्रक्रिया में कहीं थोड़ा बहुत कोई कमी चल रही है तो वो सिर्फ कोरोना को देखते हुए, क्योंकि बाहर कोरोना खत्म नहीं हुआ है, नहीं होता सर। अलग अलग समय पर आप लोगों की चुनावी रैलियां भी हो रही हैं सर, चुनाव भी हो रहे हैं सर, है ना सर, उसमें भी भीड़ इकट्ठी होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि अलग अलग समय पर शारीरिक बहुत अंतर है, आर्मी और सिविल में अंतर है। अच्छा, आर्मी में एक लड़के को दिखाया है, ऐसे हजारों लड़के तैयारियां करते हैं, ये तो इसका इशू बना लिया है। अपना कैमरा मेरे साथ भेजिए, हजारों लड़के मैं दिखा दूंगा जो रात में दौड़ लगाएंगे। मैं जानता हूं, रात को दिन में लगाते हैं, रात में दौड़ लगाते हैं। मैं उन्हीं की आवाज उठा रहा हूं। सुने पहले मेरी बात, सुने मैं अरे बात सुने पहले आप मेरी बात सुने भदौरिया सर, आप बात सुने। आप किसी चैनल का नाम ले रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं आपको सबूत के साथ कह रहा हूं, अगर सबूत मेरा गलत हुआ तो आप कह दीजिएगा, मैं डिबेट को वहीं खत्म कर दूंगा। मैं सबूत के साथ आता हूं आपके साथ। आप बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं आपको एक लेटर दिखाता हूं, ये लेटर है संजीव बालियान का, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा इस संजीव बालियान जी के लेटर को प्ले करिए। जी सर, ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, 4 फरवरी को केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को एक पत्र लिखा। यह पत्र आपके सामने है। पत्र में उन्होंने लिखा कि 2 साल से सेना में भर्ती प्रक्रिया बंद है, उसे शुरू किया जाए। इसके साथ चयन की जो प्रक्रिया है, उम्र की जो सीमा है, 21 साल से बढ़ाकर 23 साल की जाए। सर ये लेटर मैंने नहीं लिखा, आप देख सकते हैं, और लेटर की डेट है 4 फरवरी, आप ध्यान से देखिएगा सर, 4 फरवरी की डेट है। आप कह रहे थे प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आप ही के और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, मुझे मालूम है कि ये झूठ नहीं बोलेंगे, मुझे मालूम है कि वो हमारे देश के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जब वो देश के रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर ये कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, 2 साल से बंद है, तो फिर इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। भदौरिया साहब को स्क्रीन पर लाइए प्लीज। ये लेटर उन्होंने कब लिखा है? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को सर। और आज 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 मार्च है जी, और उन्होंने जो 2 साल का जो उन्होंने हवाला दिया है वो ठीक दिया है, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना चल रहा था, तो कोरोना में हमने पहले ही कहा कि भर्ती बंद थी सर। आप कह रहे हैं कि भर्ती चल रही है, मैं तभी कंफ्यूज हो गया था, मैंने तभी वो लेटर का जिक्र किया, आप कह रहे थे भर्ती चल रही है, और हमारे देश के केंद्रीय राज्य मंत्री बता रहे हैं कि भर्ती बंद है। आप मेरी बात को पहले सुन के समझ लिया करें, आप बीच में बोलेंगे तो आप समझेंगे ही नहीं। हम जो बोल रहे थे वो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको तो वो एक लड़के को शूट कर लिया है, उसको दिखाना है। हम कह रहे हैं आप हमारे साथ चलिए, ऐसे हजारों लड़के आप दिखाते हैं सर, मैं जानता हूं, आप भी देखिए, मैं तो चाहूंगा एक नहीं सैकड़ों लड़कों को, आप चाहेंगे तो मैं कल सैकड़ों लड़कों को शूट करके दिखा दूंगा आपको। अरे तो मैं तो ऐसे लड़के दिखा दूं जो रात में दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि आर्मी बहुत टफ है जी सर, आर्मी में जाना बहुत टफ है। आर्मी की बात कर रहे हैं, आर्मी की नौकरी कोई अनुकंपा नियुक्ति नहीं है कि जो कोई भी चला जाएगा। सर उम्मीदवारों की एग्जामिनेशन होता है सर, उम्मीदवारों की आयु एक बहुत बड़ा विषय है, मैं उसकी बात कर रहा हूं सर, आप मुझे प्रक्रिया बता रहे हैं बार बार। आपके मंत्री की सोच क्या है? भर्ती कोरोना में भी चलती रहती। आपके मंत्री की सोच क्या है सर, उन्होंने लेटर फिर ये क्यों लिखा? मंत्री ने क्या लिखा है वो उससे हमें लेना देना नहीं है, वो उसकी सोच है, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा होगा। ओके सर, मैं एक उदाहरण देता हूं, आपके कहने से भर्ती सेना कर सर, मेरे कहने से क्यों भर्ती करेंगे आप? ऑफिस के बाबू और चपरासी की भर्ती नहीं है सर, मैं वही कह रहा हूँ, भर्ती ये ऑफिस के बाबू और चपरासी की भर्ती नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वो लाखों युवा जो दौड़ रहे हैं सड़कों पर, उनमें से किसी एक का चयन करना है आपको, तो मैं उससे वही प्रक्रिया की बात कर रहा हूं सर आपसे, आप सवाल तो ले लीजिए सर, आप बार 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 प्रक्रिया की बात करें, मैं भर्ती की बात कर रहा हूं सर, मेरा सवाल तो ले लीजिए। वरुण गांधी का ट्वीट दिखाइए सर, आप भर्ती नहीं, आप भर्ती की बात कर रहे हैं, भर्ती हो रही है, जितनी जरूरत है उतनी सर, हो रही मैं है। उसी पर आ रहा हूं सर, प्लीज भदौरिया साहब, प्लीज भर्ती नहीं हो रही। भदौरिया साहब एक ये ट्वीट दिखा रहा हूं मैं आपको, ये ट्वीट है 4 मार्च का, कब का सर? 4 मार्च का, 4 मार्च का ट्वीट वरुण गांधी जी का ट्वीट है। वरुण गांधी कौन है मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। वरुण गांधी जी क्या लिखते हैं? वरुण गांधी जी लिखते हैं, आप ही के सांसद, सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती ना होने के कारण
पांव में छाले लिए 3 सालों से युवा दौड़ रहे हैं, हताश हैं, बढ़ती उम्र के कारण अयोग्य हो रहे हैं। इन युवाओं को लिखा होगा उसका, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उन्होंने क्यों लिखा है, क्या कारण है, ये राजनीति की बातें हैं। सर, अगर मैं जो है ना सेना की बात कर रहा हूँ सर, सवाल कि सेना की भर्ती, सेना सर सवाल ले लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने वाले इन युवाओं की आवाज राष्ट्रवादी सरकार तक पहुंचनी चाहिए। वो आप ही की सरकार का लिख रहे हैं सर, ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। भदौरिया सर को लाइए प्लीज। आप कह रहे हैं भर्ती हो रही है, लेकिन वरुण गांधी जी कह रहे हैं 3 साल से युवा दौड़ रहे हैं। अरे वरुण गांधी तो बहुत कुछ कह रहे हैं, वरुण गांधी तो बहुत कुछ कह रहे हैं, वरुण गांधी के उसमें बात में हम नहीं जाते, वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं। तो ये राष्ट्रवादी नहीं है वरुण गांधी, क्या कह रहे थे वो आप? वरुण गांधी बहुत कुछ कह रहे हैं, तो हम क्या सेना उनके हिसाब से चलेगी? वरुण गांधी के कहने से थोड़ी सेना चलेगी। नहीं, राष्ट्रवादी सरकार, वो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद की बात करें, वो कह रहे राष्ट्रवादी सरकार तक उनकी आवाज पहुंचनी चाहिए, तो वो गलत बोल रहे हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं रहे आप? बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ वो गलत बोल रहे हैं, वो सच बोल ही क्या रहे। अगर जो इस तरह की बातें करे, अपनी सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए, सेना के ऊपर कौन प्रश्न उठा रहा है? भदौरिया सर, भर्ती की बात कर रहे हैं, सेना के ऊपर कौन सवाल उठा रहा है सर? भर्ती की बात हो रही है, भर्ती की प्रक्रिया की बात हो रही है, आप सेना पे बात कहां ले जा रहे हैं? करेंगे या बलियान साहब करेंगे, कौन करेगा बताइए? भदौरिया सेना करेगी, भदौरिया सेना का काम है ये। आप अपने नेताओं को समझाइए ना, जो चिट्ठियां लिख रहे हैं। आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? जो चिट्ठियां लिख रहे हैं मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। हमारी हमारी पार्टी में तो बहुत से नेता है, वो कुछ भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र है। अच्छा, ये नहीं, आपकी क्या औकात है जो हमसे पूछे क्या भर्ती सवाल होते? सवाल दूं क्या? सवाल सवाल ले लीजिए, सारे राष्ट्रद्रोही हैं, आप राष्ट्रभक्त हैं तो राष्ट्रभक्त से ही सवाल पूछूंगा ना, है ना सर? सवाल तो ले लीजिए, सवाल नहीं, आपका सवाल बताने लायक है ही नहीं। आप कह रहे भर्ती आप करने जाएंगे क्या? आप नहीं, आप स्टूडियो में बैठ के भर्ती करेंगे क्या? भर्ती आप करने जाएंगे जो आप कह रहे हैं भर्ती बंद है? तो आपके ये तो सांसद और नेता लिख रहे हैं भर्ती ये करेंगे जो सांसद और नेता लिख रहे हैं। सुन, अबे सुन, डिबेट छोड़ दे, यही आप कह रहे हैं, यही है घमंड आपका, यही घमंड है आपका। सवाल पूछा तो आप गाली देने लगते हैं, आप लोग सवाल से भागते हैं आप। भर्ती सर फिर कह रहा हूं, भर्ती की बात कर रहा हूं, गाली मत दीजिए मेरे को, गाली देने से कुछ नहीं होगा। भर्ती की दलाल कहीं का कहा, बस यही आवाज उठाइए जनता देखे, दलाल कहीं का। और गाली दो भदौरिया साहब, और गाली दो, जनता देख रही है, सवाल पूछ रहा हूं गाली देकर भाग रहे हो। लाखों युवा हैं ना जो दौड़ रहे हैं, ये जो लाखों युवा दौड़ रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल के चला गया, उनकी आवाज कल भी उठाऊंगा, परसों भी उठाऊंगा। सवाल सरकार से है तो सरकार से ही पूछूंगा, ये चाहे मुझे कितनी भी गाली दे दें, लेकिन फिर भी जो वो लाखों युवा दौड़ रहे हैं ना, उनकी फौज मेरे साथ खड़ी होगी, मैं जानता हूं। नहीं, आपके जज्बे का हम सलाम करते हैं कि आप हमेशा जनहित के मुद्दे को उठाते हैं और मजबूती से उठाते हैं। जो इन्हीं के नेता ट्वीट कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं का ट्वीट किया हुआ लिख रहा हूं मैं, वही बोल रहा हूं कि भारतीय सेना में 1,25,000 पद खाली पड़े हैं, 1,25,000 पद। थल सेना में 1,40,053 पद खाली पड़े हैं, जो इन्हीं के नेताओं ने ट्वीट किया उसी का जिक्र कर रहा हूं। वायु सेना में 5,471 पद, नौ सेना में 12,431 पद खाली पड़े हैं। इसलिए यह विषय लेकर आया मैं, इसलिए मैं सिर्फ एक प्रदीप का जिक्र नहीं कर रहा, सैकड़ों प्रदीप दौड़ रहे हैं इसी उम्मीद से कि उनका नंबर आएगा, आर्मी में नहीं तो पुलिस में। इसलिए ये विषय बहुत जरूरी था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।